Now some formulae. Work done, W equal to F dot D. Here F is the force and D is the displacement. And power P is equal to the F dot V. Here F is the force and V is the velocity. Next is magnetic flux phi equal to B dot A. Here B is the magnetic field and A is the area. Now topic is vector product or cross product of two vectors. It is equal to the product of the magnitude of the two vectors and sine of the smaller angle between of them. It means ये हमने मान लिया यहाँ पर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है आपका बी. इन दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल है वो है आपका थीटा. इनके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी इनके परपेंडिकुलर होगी. तो जो आपका इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज द यूनिट वेक्टर एन कैप, हमने मान लिया है कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आपका कितना है, एन कैप. सो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप. हियर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. इट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. सो दैट द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा. हियर एन कैप इज शो द ओनली डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ. इट डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ. इट मीन्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. इट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए. सेकेंड, इट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है. इट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इट इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर इज 90 degree. सो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 degree. देन ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1. Now fourth property is, if vector A is parallel to vector B, then the angle between both vector is 0. So that A cross B is equal to AB sin 0 degree. Then A cross B equal to 0 because the
वैल्यू ऑफ साइन डिग्री इज जीरो, तो जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो जब आपके बोथ वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपका क्या रहता है, जीरो रहता है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। हमने ये मान लिया है लेट आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के ऑलवेज जीरो, एंड आई क्रॉस जे इक्वल टू के एंड जे क्रॉस के इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इक्वल टू जे। इसको याद रखने के लिए हम क्या है, ये चीज़ ध्यान रख लेंगे कि जैसे ये आपका आई है, इधर हम मान लेते हैं जे और इधर के, तो हम क्या करेंगे कि आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो ये आपका के इक्वल आ जाएगा, जे क्रॉस के कर रहे हैं तो ये आपका आई बच रहा है तो आई के इक्वल, फिर हम के क्रॉस आई करेंगे तो ये जे के इक्वल आ जाएगा। जब हम क्लॉक वाइज चलेंगे, यदि हम उल्टा चलेंगे एंटी क्लॉक वाइज, जैसे आई क्रॉस के निकालना है तो ये आपका माइनस जे के इक्वल आएगा, यानी उल्टा, यानी हम एंटी क्लॉक वाइज चलें, जैसे ये आपका आई है ये जे हो गया, यहाँ पे हमने के मान लिया है, अब हम एंटी क्लॉक वाइज घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉक वाइज जब हम रोटेट करेंगे तो आई क्रॉस के क्या आएगा, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू जे माइनस के, ऐसे ही के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस जे निकाल रहे हैं तो बच रहा कितना आई, तो ये माइनस आई के इक्वल आ जाएगा, ऐसे जे क्रॉस आई ये आपका माइनस के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो एंटी क्लॉक वाइज में ये आपका नेगेटिव आएंगे और क्लॉक वाइज में आपके ये पॉजिटिव आएंगे, ये ध्यान रखेंगे। नाउ सम फॉर्मूले, टॉर्क टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड एफ इज द फोर्स। आर यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और ये आपका फोर्स हो जाएगा। दूसरा आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, पी इज द लीनियर मोमेंटम। नाउ लीनियर वेलोसिटी, वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। नेक्स्ट सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ए इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी। अब हम देखेंगे कि दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, तो उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं।
तो यहाँ पे हमारे क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, देन फाइंड द फर्स्ट इज वेक्टर ए डॉट बी एंड सेकेंड इज वेक्टर ए क्रॉस बी। फर्स्ट पार्ट में हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है और सेकेंड पार्ट में हमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या है फाइंड करना है। तो सबसे पहला पार्ट कि ए डॉट बी, अब हम क्या है यहाँ पर ए डॉट बी यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू हम क्या है पुट करेंगे। तो वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब हम क्या है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो पहले हम क्या है ए एक्स का ए एक्स आई का पहले हम इस ब्रैकेट में हम क्या है प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका फॉलो होगा। तो ए एक्स आई का इसमें जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स इंटू आई डॉट आई, तो आई डॉट आई आएगा तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है वन होती है। तो ये हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू आई डॉट आई, तो वो वन हो गया। प्लस फिर हम क्या करेंगे ए एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे हम बी एक्स जे में बी वाई जे में, तो ए एक्स इंटू बी वाई डॉट आई डॉट जे, तो आई डॉट जे की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है। तो जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ऐसे ही हम ए एक्स बी जेड आई डॉट के, तो आई डॉट के की वैल्यू भी आपकी क्या होगी जीरो हो जाएगी, तो वो भी टर्म हमारे क्या है जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम क्या है दूसरे टर्म का हम क्या है मल्टी प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, वो मैं लिख नहीं रहा ठीक है। इसके बाद में हम क्या है ए वाई जे का हम इसके साथ में करेंगे बी एक्स आई के, तो ए वाई बी एक्स इंटू जे डॉट आई, तो जे डॉट आई की वैल्यू भी क्या होती है जीरो होती है, तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा। फिर ए वाई जे का हम जे के साथ में प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई इंटू बी वाई जे डॉट जे, तो ये वैल्यू होती है जे डॉट जे की वैल्यू वन, तो ए वाई इंटू बी वाई। ऐसे ही हम ए जेड इंटू बी जेड, तो यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि आई वाले टर्म का हम आई के साथ में प्रोडक्ट कर देते हैं और जे वाले का जे के साथ में और के वाले का के साथ में, अदर के साथ में हम करेंगे तो वो वैल्यू आपकी जीरो आएंगी। तो सीधे सीधे ध्यान रखना है कि ए एक्स इंटू बी एक्स आई के साथ में मल्टीप्लाई करके आई डॉट आई आपका वन हो जाएगा, ए वाई इंटू बी वाई इंटू जे डॉट जे आता तो वो जे डॉट जे की वैल्यू वन हो गई। ऐसे ए जेड इंटू बी जेड के डॉट के की वैल्यू वन हो जाएगी, तो वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड बी जेड आ जाएगा। इसके बाद में और भी जो टर्म होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब हम क्या है सेकेंड पार्ट, इन द सेकेंड पार्ट वी आर फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या डिटरमिनेंट फॉर्म का हम यूज करेंगे, तो हमने क्या यहाँ पर डिटरमिनेंट का साइन लगा लिया है और यूनिट वेक्टर लिख लेंगे आई जे और के। तो पहले आपका ए वेक्टर ए आ रहा है तो पहले हम वेक्टर ए के आई जे के कोफिशिएंट लिख लेंगे, तो आई का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर आपका ए एक्स और जे का ए वाई और के का ए जेड। ऐसे ही अब वेक्टर बी का लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड। तो डिटरमिनेंट फॉर्म से हमें हल करना है, तो सबसे पहले आपका आई डिटरमिनेंट आई के लिए लेंगे तो हम आई वाला जो कॉलम है उसको ढक लेंगे,
और जो आपका रो है ऊपर वाली उसको ढक लेंगे। ठीक है, ये जो ना हमने ढक ली, तो ये अब आपका बचा ए वाई, बी वाई एंड ए जेड, बी जेड माइनस जे वेक्टर। जे के लिए लेंगे तो जे वाले कॉलम को ढक लेंगे और बचा, और जो ऊपर वाली रो है उसको ढक लेंगे। यहाँ पे आपका बचेगा ए एक्स, बी एक्स, ए जेड, बी जेड। ऐसे हम प्लस के लिए लेंगे तो के वाली कॉलम को और ऊपर वाली रो को ढक लेंगे, तो बचेगा कितना आपका ए एक्स, ए एक्स, बी एक्स, ए वाई, बी वाई। इसे हम लिख लेंगे तो ए एक्स, बी एक्स, ए वाई, बी वाई। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा आपका यानी आई पॉजिटिव, जे नेगेटिव आएगा और के आपका पॉजिटिव। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई और बी जेड का, यानी वेक्टर आई इंटू ए वाई बी जेड, फिर ये माइनस में आएगा, माइनस बी वाई ए जेड, माइनस जे। ऐसे ही यहाँ पर ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड प्लस के। तो सबसे पहले हम ए एक्स बी वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी एक्स इंटू ए वाई।